बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज का मौसम चेक करें कि ये अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ये देखे सूजी मेरी भागती फिर रही है और ये ईमान आ रहा है। इतनी तेज बाइक चलाते हैं। अच्छा जी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पर। आप कहाँ जा रहे हैं? उधर जाना है बेटा, आगे। आप किधर हो? आहिस्ता। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और सर्दी से यहाँ पे बनी हुई है कुल्फी। चलें जी, यहाँ पे मैं टेले पर चढ़ते हैं। ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें। इसको मैं थोड़ा मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारा घर है ये। आ गया, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया ये, देखें। ब्यूटीफुल हाउस, ये देखें, बहुत प्यारा है। ये वाला भी साथ घर बना हुआ है। पहाड़ी का क्लोजअप लेते हैं जरा। ये देखें, ऊपर भी ये घर बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर। ये पहाड़ पे सारी आबादी है। गंदम की फसल पे बालियां लग चुकी हैं। ये इधर मैं खास तौर पर आई हूँ। देखें, यहाँ पर लगे हुए थे बैठने के लिए बेंच लकड़ी के, वो सारे उतार के लेकर जा चुके हैं और ये बेचारे यहाँ पे ही लगे हुए हैं। ये तो हाल है हमारी आवाम का। वो गायें भी एक जगाली कर रही है। और ये लोहे के, यहाँ पे कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है यहाँ पे। वो सूरज ग्रूब हो रहा है उधर। 3 कुत्ते बहुत क्यूट क्यूट से हैं। वो टंकी वहाँ पे जा रहा है, दिखा ये घास लेके जा रहे हैं टंकी पे। वो देखें जी, डोगी रेस लगाई हुई है। और वो देखें, वो मेरी सूजी आ रही है। आजो आजो सूजी, सूजी सूजी सूजी, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ है सूजी? सूजी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठ गई है, हैं? देखा कैसे मेरी राखी करे, मेरे साथ आई है घर से। ये जॉगिंग हो रही है यहाँ पे। यहाँ जॉगिंग एरिया है सारा। पहले यहाँ पे आर्मी का बहुत ज्यादा पहरा होता था ना, अब नहीं होता यहाँ पे। वो कुत्ते लग गए उस बेचारे के पीछे। हुए हुए हुए, क्लोज करके दिखाए। सूजी सूजी इधर आ जाओ, बेचारे को तंग कर रहे हैं वो। देखो जरा सूजी, आप इधर आ जाओ। शाबाश सूजी, अच्छा बच्चा है। वो भागता है, वो पीछे से फिर पीछे लग जाते हैं ऐसे ही। ये री गायें, ये देखें, ये री गायें। आज ये देखें स्ट्रिप कैसे बने हुए हैं पत्थर के। सारी बहुत ज़्यादा किलोमीटर है, उधर लिखा हुआ होता था। अब जब से कुछ अर्सा हो गया यहाँ पे ना, इस ग्राउंड की जो लुक आफ्टर है ना, आर्मी ने छोड़ी भी नहीं है, पर जो पहरा है ना उसको बहुत नरम कर दिया है, सॉफ्ट। पहले यहाँ पर विदाउट परमिशन के कोई इस टाइम नहीं चल सकता था। सिर्फ ये होता था जिसने आना है ना, उसने पहले अपना नाम और शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह जमा करवानी है, तब ये एयर स्ट्रिप इस्तेमाल हो सकती थी उसके लिए, वॉक के लिए। क्योंकि यहाँ पे कर्नल के, आर्मी के कर्नल कर्नल और मेजर कैप्टन, ये सब ऑफिसर्स आते थे अपनी फैमिलीज, उनकी फैमिलीज भी होती थी, तो जो सिविल लोग भी थे वो भी आ सकते थे। पर अब आर्मी भी कोई यहाँ पर उस तरह ख्याल नहीं करती,
इसका रीज़न अभी मुझे पता नहीं चला, वो आगे छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, उधर मैं लेके चलती हूँ अभी। ये देखें जी, छोटी छोटी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर। दरख्त, मेरी सूजी, इसको मैं करती हूँ। ये देखें, बारिश शुरू हो चुकी है। कैसा मौसम लग रहा है कश्मीर का? और पूरे कश्मीर में बारिशें हो रही हैं, लाहौर में बहुत कम बारिशें हुई हैं। कल रात को कह रहे थे वहाँ पर तूफ़ानी बारिश आई है, पर यहाँ पे तो ज़्यादा ही बारिशें हो रही हैं। देखें मौसम, आसमान। उधर मैं अब आगे जाके दिखाती हूँ, यहाँ पे आगे देखें दरख्त बेचारा कैसा हो गया। यहाँ पर सूजी, और ये मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर चौकी बनी हुई है। ये बच्चों ने यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक है? ये आग जलाई हुई है। इधर क्या होता था? चौकी बनाई हुई है। ये तो वो थी टंकी, ये टंकी बनी हुई, बोर हुआ हुआ था। लें जी, ग्राउंड के स्टार्ट में आ चुकी हूँ मैं, और ये बहुत प्यारा हदायत बाय विजिटर्स एयर स्ट्रिप भिम्बर, ये लिखा हुआ है, देख लें। तमाम हजरात को अदारे के ज़रिए इंतज़ाम है फ़ौज के औकात कार, सुबह 5:30 से शाम 6:30 बजे तक, शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक, सर्दियों का भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरे फौजी भाई भी आए हैं साथ ही। आगे हम छोटा सा पार्क बना है, पता नहीं ये किलोमीटर पहले लिखा होता था, अब नहीं लिखा हुआ होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा वॉकिंग कितना एरिया बनता है? 2.5 नहीं, किलोमीटर 1200 मीटर। तो इसमें मतलब किलोमीटर फिर कन्वर्ट कर ले, 1200 मीटर में 1.5 किलोमीटर बनता है। 1.5 किलोमीटर पूरा राउंड इसका करके, दो किलोमीटर बनता है। दो मील का सारा डिस्टेंस है। ये देख लें कितनी बड़ी एयर स्ट्रिप है। आर्मी वाले भाई को कहा मैंने फिर थोड़े से आ गए, पर उनको उनका फेस कट कर देंगे नाम, क्योंकि प्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम उनकी सिक्योरिटी है। ये देख लें जी, पार्क में आ गए हैं एयर स्ट्रिप के। ये बेंच लगे हैं, अभी बादल है ना इसलिए। अच्छा, ये इन्होंने ताला लगाया हुआ है इसको, ये क्यों ताला लगाया होगा? हाँ चलें जी, छोटा सा पार्क बना हुआ है, हमारे घर से तो बहुत ज़्यादा करीब है। ये देखें पौधा खूबसूरत सा, और यहाँ पे पत्थर का काम करके ये लगाए हुए हैं, ये पत्थर वर्क सारा स्टोन। वहाँ पे भी एक बेंच है, ये देखें, वो देखें जिम बना हुआ है बच्चों का। हाँ अब आपको मैं जिम भी दिखाती हूँ, और वो देखें मेहनत कश कश्मीरी कल्चर, देखें कितने मेहनत वाले लोग हैं, मेहनती। अब तो यहाँ पे ये सख्ती कम हो गया ना, सख्ती, हाँ इसलिए गुजरने दे रहे हैं, वरना क्या होता है, नहीं गुजरने देते, यहाँ से गुजरने ही नहीं देते। हाँ जब यहाँ पे ट्रेनिंग होती है ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं गुजरने देते। ये देखें, ये जिम बना हुआ है, अगर करीब भी ना जाके बनाए तो, ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि वो, ये कुआं है ना साथ ही, नहीं ये इसमें बोर हुआ हुआ है, बोर हुआ हुआ है, और ये वेट लिफ्ट का है सारा। ये अब हम आ गए हैं, इधर बोर हुआ हुआ है और बोर को कवर किया हुआ है। अच्छा इधर ये बोर हुआ हुआ है, ये सारी गंदम की फसल लगी हुई है, और क्या कहते हैं ईमान इसको, है बैकअप लगाने वाला। हम इधर ही रहते हैं, पहले हम रहते थे वो कॉलेज के पास, लड़कियों के कॉलेज के पास। अच्छा आप तक शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी, आप कितने साल की हो? कितने साल? 10 साल की। आपको फिर मेरा कैसे पता, किसने बताया? क्या नाम है? नाम क्या? रूच फातमा। रूच फातमा, शेख मुश्ताक भी है। अच्छा, शेख मुश्ताक की दुकान। हाँ
ये मोबाइल किसका है? आ गया हमारी वीडियो में, कोई भी लेगा। अब यहाँ पे लगा दिया हमने कैमरा, जो भी उठाएगा। अच्छा जी, इधर भी ये बना हुआ है, और बस दो ही चीजें बनी हुई है ईमान, वो वेट लिफ्टर भी है ना। देखें जी, वेट लिफ्टर, बच्चे कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग। चलें जी, वो बच्चा शर्मा रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा था देखकर। यहाँ पे हम मानो और ओगी का खाना लेने के लिए आए हुए हैं, मानो और ओगी चिकन की ये टैंकी, और देखें काम हो रहा है। अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं, और देखें गोश्त का रेट कितना ज़्यादा हाई हुआ है, 245 रुपये, 245। मछली ख़त्म हो गई है, तलाई का काम भी ख़त्म हो गया है। गर्दन 180 रुपये किलो है, कलेजी पोटा 260 रुपये किलो है। ये ढेर, हमने कलेजी पोटे खाते ही नहीं, चिकन भी नहीं ले रही मैं चौधरी साहब की वजह से। आज कह रहे थे मुझे, कह रहे थे कि चिकन पका लो, मैंने कहा नहीं। यहाँ पे ये दुकानें बड़ी हुई हुई हैं, ये आ जाए हुए हमें अपनी नंद के घर, उनकी तबीयत ख़राब है और वो गई हुई है गुजरात, लेके गए हुए उन्हें। तो ये दिखा रही हूँ, वो देखें, ये बिल्कुल ये छत है किसी के घर की, और भी रास्ता दिखाऊंगी। ये किसी की मज का घर है, गाय का। चले, जिसको बंद किया हुआ है, ये छत है। और ये देखें कितनी सात पहाड़ी के ऊपर घर बने हुए हैं, पहाड़ी है ना काट काट के, है ना। ये पो का कमरा, सांस चढ़ा हुआ क्योंकि बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं बाइक से उतर उतर के। ईमान कहाँ चला गया? देखे, अजाने हो गई हैं ये नीचे। ये घर आ गया, चले जी। यहाँ पे इधर से भी रास्ता आता है, जाते हुए इधर से ना जाएं, है ना। हाँ, इधर से ही चले जाएंगे।